नमस्ते फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहले ही मैं बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हूं, मैं जस्ट है मदर हूं और मुझे बिल्कुल भी हेयर कट का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसके मेरे बेटी के बाल बहुत ऊपर नीचे और रफ़ हो गए थे, इसलिए मुझे उसके बाल कट करना पड़ा। आप देख सकते हैं कैसे उसके झाड़ू जैसे बाल लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाल मतलब एक साल से कटे ही नहीं थे, बस उसे लंबा करने की कोशिश कर रही थी और बहुत रफ़ हो गए थे, इसलिए मुझे काटना पड़ा क्योंकि उसके बाल टूटने जैसे लगने लगे थे। तो मैंने कहा थोड़ा ट्रिम तो जरूरी ही है, तो ये मैं ट्रिमर ली हूँ और उसकी हेल्प से ही आज मैं करूँगी। और पहले बालों को सुलझा रही, बाल इतने ज़्यादा रफ हैं कि एकदम उलझ भी जाते हैं अगर कॉम करो तब भी, मतलब एकदम झाड़ू टाइप के बाल हो गए थे क्योंकि एक साथ से कटिंग नहीं हुई थी। तो जानते अगर उसका कटिंग ना ट्रिम ना करो तो बाल कैसे हो जाते। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट मुझे जज ना करिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी हेयर कट नहीं जानती हूँ। बस जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत जो हम सीखते हैं उसी के हिसाब से हेयर कट करते हैं। तो बस मैं ट्रिमर लेके और कॉम करके और पानी से बालों को गीला करके बस ट्रिम 0 नंबर पर सेट कर लिया है और उससे मैं सेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने उसे, मुझे लगभग बॉब कट के हिसाब से मुझे कट करना था कि जो रफ हेयर है उसके निकल जाएं और उसके बाल थोड़े अच्छे लगने लगे। और ट्रस्ट में वाकई में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बच्चों के बाल थोड़े ख़राब हो गए और रफ़ हो गए तो आप जल्दी से घर पर ट्रिम कर लो और वो ज़्यादा ठीक है। ऐसे मदर आप अच्छा ही ट्रिम करोगे। मैंने भी अपनी बेटी की पूरी कोशिश की अच्छा करने की और मैं विदाउट कट ये वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपनी बेटी के हेयर को कट किया। और मैं अपने बालों में आज मेहंदी लगाई हूँ। तकरीबन 2-3 महीने बाद मैंने मेहंदी लगाई क्योंकि बीच में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर खांसी भी लग गई थी। तो मैं ठंड के कारण कि ठंड ज़्यादा ना पकड़ ले मैं मेहंदी नहीं लगाती थी। और ज़्यादा जब ग्रे हेयर होने लगते ना हल्के फुल्के तो बिना मेहंदी लगाए तो काम चलता नहीं है। तो वो तो मैं अपनी बातें कहाँ शुरू कर दी। तो ये मैं अपनी बेटी के देखिए ट्रिमर की हेल्प से पूरा राउंड शेप में बाल मैंने कट कर लिया है और जो ऊपर नीचे है वो भी हल्का हल्का कर ले रही हूँ। और 0 नंबर पर नहीं कुछ कटेगा नहीं, बाल ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ऐसे सर करो, डर लग रहा है। नहीं डरो मत, क्यों क्यों डर रही हो, बस तुम्हें थोड़ा ना कट, तुम बस हिलो मत, हिलोगी तो कट जाओगी। गंदी हो गई। अरे मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी। दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? यहाँ पीछे यहाँ पर तो गड़ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। अपना गर्मी लगेगी ना गर्दन में। अच्छा जब बाल अच्छे, अब जब निकलेंगे ना अच्छे बाल निकलेंगे। अब परी बोलने लगी कि वाह तुम्हारे बाल कितने क्यूट लग रहे हैं। अरे मेरी बेटी ऐसे हटा रहा है। कपड़े इधर आओ, इधर करो, देखो चीजे में कैमरे में। वाह कैसे लग रहा है? अच्छी मोर लड़कियाँ अच्छा बोलती है क्या? अच्छी अच्छी और लड़का अच्छा ती तू हिंदी पढ़ोगे तो आएगा छोटा है बड़ा है ना। अरे तुम्हें गाल नहीं काटेंगे, बाल काटेंगे लाडो, ऐसी रहना। तुम हिलो हिलो मत लाडो, तुम्हें नहीं काटेंगे चिंता ना करो। मुझे पता है खुजली हो रही है लाडो, तुम्हें रगड़ रगड़ निकला देंगे ऐसे काटेंगे। अभी मेरे या इचे चुभा। हाँ चुभा तो मुझे पता है, जैसे पापा मम्मी बाल काटे थे लास्ट ईयर वैसे।
तुम बाल काटना काटती थी? पहले मैं तुम्हारे मामा लोग का बाल काटती थी जब छोटी थी। कैसी लग रही है सेमू? अच्छी। ये देख कितनी गर्दन गर्मी लग रही गर्दन में। नहीं अच्छा पीछे घूमो। जब तुम ऐसे रहना पीछे छोड़ दी थी और छोटी नहीं बाती तुमको गर्मी तो नहीं लगती? ऐसी रहो पीछे झुकी रहो ठीक है। अच्छा करो झाड़ू लगा देना। अरे झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा लाटू जी। घर कितना गंदा लग रहा है। बाल ऐसे ही गिरता है लाटू जी। जी करो शीशा देखो कैमरा कितनी सुंदर लग रही है। कौन है ये प्यारी प्यारी लड़की? देखो ऐसे रहना ऐसे रहो। हाँ पहले से कर ली तो पहले से ही गुदगुदी लग रही है। गर्मी लगी तुमको? अब गर्मी नहीं लगी जी। अभी तुमको नहलाएंगे पता चल जाएगा। जैसे मम्मी बाल पापा काटे थे वैसे ही उल्टे सेम। चलो खड़ी हो। हेयर कट डन हो गया और ये इतने बाल निकले उसके कटिंग करने के बाद। तो चलिए आपको नहला के उसको दिखाती हूँ कि उसका हेयर कट कैसे हुआ है और मैं भी इसे क्लीन कर दूँ। ये हेयर कट कट गया मेरी बेटी का और ये शैम्पू के बाद बाल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आ दीजिए करो नहीं आएगा वो देखिए बहुत अच्छा आया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नहीं नहीं फाइट नहीं। ओहो फिर लड़ाई शुरू।